तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज गणेश चतुर्थी है और अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के चलते इस बार का जश्न फीका पड़ रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता दिख रहा है। राज्य में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। मुंबई में गुरुवार को 457 नए केस सामने आए हैं। यहां 7 सप्ताह के बाद सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। लिहाजा सरकार ने इस बार गणेश उत्सव पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस ने 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के गृह विभाग के एक दिन पहले पंडालों को जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश मिल गया है। बीएमसी के दिशा निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। वहीं घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए जाते समय अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। इसके अलावा उत्सव के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से कोरोना के टीके की दोनों खुराक लेनी होगी और दूसरी खुराक को 15 दिन से अधिक समय होना जरूरी है। आप सभी को तत्काल न्यूज़ टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।